नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चलिए रुक कर लेते हैं 150 गांव 150 खबरों का। बारा में हाई टेंशन लाइन को छूने से एक ट्रैक्टर ट्रॉली में रखी पराली में आग लग गई, जिसे दमकल की मदद से काबू में किया गया। नदीपुरा गांव में खेत में काम करने के दौरान करंट की चपेट में आने से किसान की मौत, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। चलवाड़ा के पास एक कार हाईवे पर असंतुलित होकर पलटी, हादसे में ड्राइवर समेत 2 लोगों की जान, बाल बाल बचे। अंता में दयोदय ट्रेन के ठहराव की मांग को लेकर SDPI ने रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया। हरनावदा शाजी में निजी स्कूल में बाल मेले का आयोजन किया गया, जहां बच्चों ने उत्साह से भाग लिया और स्टॉल भी लगाए। नवनियुक्त मोर्चा अध्यक्षों का बीजेपी पदाधिकारियों ने किया स्वागत, मौके पर पूर्व विधायक शिमला बाबरी और भाजपा कार्यकर्ता रहे मौजूद। सादुल शहर में ग्राम पंचायत मन्नीवाली के पास MJD नहर टूटने के मामले में प्रशासन और किसानों के बीच हुआ लिखित समझौता, 10 दिन में सर्वे कराकर जिला कलेक्टर को भेजी जाएगी रिपोर्ट। श्री विजयनगर सेवा समिति और श्री जगदम्बा धर्मार्थ नेत्र चिकित्सालय श्रीगंगानगर की तरफ से श्री विष्णु कॉटन फैक्ट्री के सहयोग से निःशुल्क नेत्र चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया। श्री खाटू श्याम मंदिर में इलाके की खुशहाली के लिए धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इससे पहले विशेष पूजा अर्चना की गई और केक काटा गया। रायसिंह नगर में विजयनगर रोड पर निरंकारी भवन के आगे एक बेकाबू कार पेड़ से टकराई, हादसे में कार ड्राइवर को चोट लगी है, लेकिन एयरबैग के चलते उसकी जान बच गई। भवानी मंडी थाना पुलिस ने देवरिया मार्ग पर खाद की नकली फैक्ट्री और छापेमारी की है। फैक्ट्री में और 1201 कट्टे नकली खाद और एक JCB मशीन, 3 ट्रक को जब्त किया, 5 आरोपी को गिरफ्तार किया। झालावाड़ में 65वीं राज्य स्तरीय छात्र क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, जिसमें 14 क्रिकेट टीमें हिस्सा ले रही हैं। फाइनल मैच 20 नवंबर को होगा। झालावाड़ के अकलेरा टोल नाके के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपति को कुचला, हादसे में महिला की मौत, बाइक चालक घायल। झालावाड़ के खानपुर यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष हरिराज सिंह नाथावत ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर जरूरतमंद बच्चों को ऊनी वस्त्र और मिठाइयां बांटी। सामोद के टावा बस स्टैंड पर पिकअप ने बाइक को टक्कर मारी, हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, दूसरा घायल। चौमू के थाना बोर्ड चौराहे पर फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत का पुतला फूंका गया, बयान की निंदा की गई। चौमू के रिंगस रोड पर 2 बाइकों की भिड़ंत में 5 लोग घायल, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। चौमू पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया, आरोपियों के कब्जे से 5,100 रुपये बरामद किए। टाटियावास टोल पर लंबा जाम लगा, जाम के चलते लोगों को काफी परेशानी हुई, हाईवे पर ट्रैफिक रेंगता हुआ नजर आया। डूंगरपुर जिले की बिलड़ी पंचायत प्रशासन गांव के संग शिविर का आयोजन हुआ, शिविर के माध्यम से ग्रामीणों को कई प्रकार की राहत दी गई। डूंगरपुर की भिंडा पंचायत में प्रशासन गांव के संग शिविर का आयोजन हुआ, शिविर में 57 पट्टे 50 PM आवास के स्वीकृत पत्रों का वितरण किया गया। खड़गदा गांव में सहस्त्र टोलकिया औदिच्य ब्राह्मण समाज का सामूहिक यज्ञोपवित एकादशी और गंगोद्यापन कार्यक्रम आयोजित हुआ, इस दौरान समाज की ओर से कलश यात्रा निकाली गई। डूंगरपुर जिले के निठाउआ स्कूल में निःशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, इस दौरान स्कूल की 71 बेटियों को साइकिल का वितरण किया गया। डूंगरपुर के मुंगेट गांव में 65वीं जिला स्तरीय छात्र के खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज हुआ, बैडमिंटन कबड्डी वॉलीबॉल और खो खो प्रतियोगिता में जिले भर की 43 टीमें भाग ले रही हैं। सीकर के पीपलाली मार्ग पर एक बदमाश ने रंगदारी के चलते फायरिंग कर दी, जिसमें दुकानदार बाल बाल बचा। पीपलाली में रंगदारी को लेकर की गई फायरिंग की वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई है, अब पुलिस आरोपी राकेश की तलाश कर रही है। सीकर पुलिस अधीक्षक कुंवर राशदीप के नेतृत्व में रिंगस में हाईवे पर टोल और ढाबों की तलाशी ली गई है और तलाशी के दौरान पुलिस ने करीब 36 से ज्यादा शराबियों को गिरफ्तार किया। सीकर के निमका थाना सदर पुलिस ने नाबालिग के अपहरण के मामले में एक आरोपी भराला निवासी जितेंद्र उर्फ कालू को गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ जारी है। अजीतगढ़ इलाके के करड़का गांव में चिरंजीवी योजना के तहत चिकित्सकों की टीम ने 267 लोगों को लाभान्वित किया। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ कस्बे में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजाति गौरव दिवस मनाया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। बांसवाड़ा जिले के घाटोल कस्बे में फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें ज्ञानमूर्ति कॉलेज ने इस प्रतियोगिता को जीता। बांसवाड़ा के भोगड़ा गांव में बोई समाज की क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, इसमें कई गांव की समाज की टीमों ने भाग लिया। बांसवाड़ा के पोटलिया गांव में 19 नवंबर को सीएम अशोक गहलोत के दौरे को लेकर विधायक महेंद्रजीत मालवीय और विधायक रमीला खड़िया ने सभा स्थल का जायजा लिया। बांसवाड़ा के सल्लोपाट थाना क्षेत्र के राम का मुन्ना गांव में बिना मुंडेर के कुएं में 8 साल की बालिका के डूबने से मौत हो गई।
नागौर के रियाबड़ी उपखंड के सैसडा ग्राम पंचायत प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत शिविर का आयोजन हुआ। शिविर के दौरान 105 पट्टे वितरित किए गए। नागौर के मकराना नगर परिषद कार्यालय में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत शिविर का आयोजन हुआ। नागौर के मेडता रोड के कल्पना चावला स्कूल में पद्मश्री सम्मानित हिम्मताराम भांबू का नागरिक अभिनंदन समारोह हुआ। नागौर के कुचेरा कस्बे में भी पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित हिम्मताराम भांबू का नागरिक अभिनंदन समारोह हुआ। नागौर के पर्वतसर में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत शिविर का आयोजन हुआ। शिविर के दौरान लाभार्थियों को पट्टे वितरित किए गए। अजमेर के भड़ियाड़ा में राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। बूंदी की टीम को भड़ियाड़ा की टीम ने हराया। जैसलमेर के नोक में 65वीं जिला स्तरीय जूडो प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें राजकीय स्कूल की बालिकाओं ने 5 गोल्ड जीते। रामगढ़ के पास रायमला के नहरी क्षेत्र में हुई आगजनी में लाखों का नुकसान। एक रहवासी मकान में अचानक आग लगी, जिसके चलते घरेलू सामान जलकर राख हो गया। रामगढ़ में आदर्श शिक्षण संस्थान जैसलमेर की तरफ से संचालित आदर्श विद्या मंदिर में एक दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन हुआ, जिसमें विद्यार्थियों को बॉर्डर का भ्रमण करवाया गया। फलसूण क्षेत्र में इन दिनों मौसमी बीमारी और डेंगू मलेरिया के मरीजों की तादाद बढ़ रही है। चिकित्सा विभाग की ओर से घर घर सर्वे करके लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मोहनगढ़ कस्बे में चल रही अमर शहीद राजेंद्र सिंह भाटी क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ समापन। पटवारी क्लब ने फाइनल मैच जीतकर जीता खिताब अपने नाम किया। मोहनगढ़ पंचायत समिति के सदराऊ गांव में प्रशासन गांव के संग शिविर का आयोजन हुआ। सालों पुराने जमीन का विवाद हुआ, साथ ही 30 लोगों को खातेदारी की जमीन मिली। पचपदरा विधानसभा क्षेत्र में लगातार हादसे होने के बाद हाईवे पर बेखौफ ओवरलोड वाहन दौड़ रहे हैं, लेकिन परिवहन विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा। पचपदरा विधानसभा क्षेत्र के बालोतरा जिला परिवहन कार्यालय भवन का लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। बाड़मेर विधायक मेवराम जैन विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। उन्होंने प्रशासन गांव के संग अभियान में शिरकत करके आमजन को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिविर में लाभान्वित करने के दिशा निर्देश दिए। चौटन विधानसभा क्षेत्र के सोडियार गांव के दिव्यांग शिवलाल को अभी तक किसी प्रकार की सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिला। परिवार के आगे रोजी रोटी का संकट है। डेंगू में नंदुवाई निवासी हिंदू समुदाय के लोगों ने 3 उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर समुदाय विशेष के लोगों पर पुरानी कचहरी के नाम की जगह अवैध अतिक्रमण का आरोप लगाया। डेंगू के पारसोली थाना क्षेत्र के राजगढ़ में हुए सड़क हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई। रावतभाटा में परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय में बाल दिवस कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। रावतभाटा में नेहरू युवा केंद्र की ओर से जालखेड़ा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भाषण प्रतियोगिता के दौरान ब्लॉक के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। नसीराबाद कैंटोनमेंट प्रेसिडेंट ब्रिगेडियर समीर कौशल और कैंटोनमेंट सीईओ मेश पारिक के आतिथ्य में पेयजल वितरण मुख्य पाइपलाइन कार्य का उद्घाटन किया गया। नसीराबाद के सर्प रक्षक दशरथ सिंह राठौर ने एक घर में सांप का रेस्क्यू करके उसको जंगल में छोड़ दिया। नसीराबाद प्रशासन ने मुख्य मार्गों से भोजन के ठेले वालों को हटवाकर डिग्गी की चौपाटी में भिजवाया। सरवाड़ में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत लगे शिविर में 250 आवासीय पट्टे बांटे गए और कई समस्याओं का समाधान हुआ। सरवाड़ के गोयला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मौजूद बच्चों को टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत टीबी रोग से बचाव के लिए जागरूक किया। करौली में अवैध शराब के खिलाफ बालघाट थाना पुलिस ने कार्रवाई कर अवैध देसी शराब के 68 पौए के साथ अपनी आरोपी नेत्राम निवासी मनोहरपुरा को गिरफ्तार किया। करौली में बाल विवाह की रोकथाम को लेकर चलाए जा रहे साझा अभियान के तहत जिला प्रशासन और बाल अधिकारिता विभाग ने लोगों को जागरूक किया। हिंडौन सिटी के गांव सीतापुर में गंभीर नदी पर एनीकट निर्माण के लिए जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हिंडौन देहात के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह सोलंकी के साथ भूमि का अवलोकन किया। हिंडौन सिटी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिलाध्यक्ष रहे कप्तान कपूरचंद शर्मा का लंबी बीमारी के बाद हिंडौन में निधन हो गया। हिंडौन सिटी में कुतुबपुर मदरसे के डायरेक्टर मुफ्ती खलील अहमद को जमीयत उलमा के हिंद की करौली जिला सदर पर निर्वाचित होने पर माला पहनाकर स्वागत किया गया। बीएसटीसी संघर्ष समिति बसेड़ी ने बसेड़ी एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया और 4 लाख बीएसटीसी बेरोजगारों को न्याय दिलवाने की गुहार लगाई। नादनपुरा थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान बाइक सवार एक युवक को अवैध हथियार के साथ जोरिया तिराहा बसेड़ी रोड से गिरफ्तार किया। कुशवाहा समाज ने धौलपुर एसडीएम और एसपी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। 3 दिन पहले अवैध बजरी के ट्रैक्टर ट्रॉली से हुए हादसे में 2 पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग की।
धौलपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से पैन इंडिया अवेयरनेस एवं विधिक सेवा सप्ताह के तहत प्रभात फेरी और विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। धौलपुर सदर थाना इलाके के सूरजपुरा गांव के रहने वाले एक 37 साल के युवक का शव पेड़ से लटका मिला। सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मौका मुआयना किया, जांच शुरू की। पालना के रेलवे ओवरब्रिज पर मिनी बस और बाइक के टक्कर में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। ग्राम पंचायत पालना गांव में प्रशासन गांव के संग शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। बाली में हत्या के प्रयास में बाप बेटे और दामाद को 5 साल के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। पाली में स्थानीय पालिका में आयोजित प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत चीफ इंजीनियर जयपुर महेंद्र कुमार बैरवा ने रानी पहुंचकर रानी नगर पालिका के वार्ड 1, 2 और 3 में शिविर का जायजा लिया। रामगढ़ बस स्टैंड पर पुराने पंचायत समिति की बिल्डिंग के पास हमेशा गंदगी का ढेर लगा रहता है, जिसके चलते भयंकर बदबू से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। रामगढ़ कस्बे में विद्युत विभाग की तरफ से गली मोहल्ले और सरकारी दफ्तरों में लगे ट्रांसफार्मर हमेशा हादसे का डर बना रहता है लोगों को। कठुमर में प्रशासन गांव के संग शिविर के अभियान के तहत साख सौंक गांव में ग्रामीणों की अतिक्रमण की शिकायत पर एसडीएम रामकिशोर मीणा ने कार्रवाई के साथ ही आबादी पट्टे को लेकर 52 आवेदन मिले। कठुमर उपखंड मुख्यालय पर बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने उपखंड कार्यालय पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया और न्याय दिलाने की मांग की। मानसूर में बीएसटीसी के विद्यार्थियों ने झूठा मुकदमा दर्ज करने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। किशनगढ़ कस्बे में कई महीनों से गंदे पानी की निकासी नहीं हुई और बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। खैरतल के दातला गांव में 13 साल के अरुण की सांप के काटने से मौत हो गई। शाजापुर क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें बदहाल हैं, 2 मिनट के रास्ते में आधे घंटे का जाम लगा रहता है, लोगों को परेशानी होती है। बीजेपी के 2 दिवसीय जिला स्तरीय चिंतन बैठक तिवरी में शुरू होगी, जिसके बाद बीजेपी जिला देहात जिलाध्यक्ष जगराम विश्नोई ने जानकारी दी। भिलाड़ा पुलिस थाने में धोखाधड़ी के 3 अलग अलग मामलों में 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, पुलिस मामले की जांच कर रही है। बावड़ी कस्बे में स्वच्छ भारत अभियान की पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। कस्बे के शांति नगर मोहल्ले में नाली निर्माण नहीं होने से आम रास्ते पर गंदगी भरी रहती है। तिलवासनी गांव में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत शिविर में मौके पर विभिन्न कार्य मौके पर निस्तारित किए गए। उदलियावास गांव में विधायक हीराराम मेघवाल ने प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत लोगों को पट्टे बांटे। बिलाड़ा समेत आसपास के गांव में लगातार पुरंजा की मौत का सिलसिला जारी है। कापरड़ा में 1, रामासनी में 6 और देवली नाड़ा में 3 पुरंजा ने दम तोड़ दिया। जोधपुर के बाप के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक सतपाल जी हर्ष की प्रथम पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति पर स्मारिका चिंतन और सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। प्रशासन गांव के संघ शिविर उपखंड अधिकारी पुष्पा कंवर सिसोदिया और प्रधान श्रवण सिंह जोधा की अगुवाई में सोमेसर में आयोजित किया गया। ओसिया थाना क्षेत्र के बाना का बास निवासी एक महिला ने 12 लोगों के खिलाफ घर में घुसकर उनके और उनकी बेटी के साथ मारपीट करके लज्जा भंग करने का मामला दर्ज कराया। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए जी राजस्थान।